टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति आने जा रही है। जिस कंप्यूटर ने इंसानों के काम को आसान किया है, वो कंप्यूटर अब ह्यूमन ब्रेन कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम की क्रांति से रूबरू होने जा रहा है। यानी इंसान को अब कंप्यूटर पर काम करने के लिए माउस, कीबोर्ड या वॉइस कमांड देने की जरूरत ही नहीं होगी, बल्कि इंसान जो सोचेगा कंप्यूटर उसे कमांड मानकर काम करेगा। और ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि कल्पना का साकार रूप 9 महीने बाद सबके सामने होगा। लेकिन ये होगा कैसे और कौन इसे मुमकिन बनाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। AI युग में इंसान एंटर, सोचने से चलेगा कंप्यूटर। माउस नहीं होगा क्लिक, दिमाग में फिट होगी चिप। ब्रेन सोचेगा, कंप्यूटर करेगा, इंसान खुद रोबोट बनेगा। सुपर डिवाइस तैयार, अब 9 महीने का इंतजार। SpaceX, टेस्ला कंपनी से क्रांति लाने वाले एलन मस्क के ग्रुप ने अपनी नई कंपनी न्यूरालिंक के जरिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो भविष्य में इंसान के दिमाग को सीधे कंप्यूटर से कनेक्ट कर देगी। और बड़ी खबर यह है कि इस कनेक्टिविटी में जिस डिवाइस का इस्तेमाल होना है वो तैयार कर ली गई है। ये डिवाइस है एक चिप जो इंसान के दिमाग में फिट की जाएगी और फिर इंसान बिना किसी डिवाइस को छुए सिर्फ सोचकर कंप्यूटर को कमांड देने लगेगा। न्यूरालिंक ने ह्यूमन बॉडी कमांड कनेक्टेड चिप बनाई है। इस चिप के वर्क के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार हुआ है। सॉफ्टवेयर अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ ब्रेन मशीन इंटरफेस है। इसके जरिए चिप लगा दिमाग कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा। इसमें इंसान के दिमाग में चिप फिट करने का काम एक रोबोट के जरिए होगा और ये प्रोजेक्ट इसी साल यानी कि अगले 9 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। और दावा यह है कि ये तकनीक करीब 25 साल में फुल ब्रेन इंटरफेस के रूप में विकसित हो जाएगी। इस तकनीक को बनाने का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों पर हावी होने से रोकना है। लेकिन ये होगा कैसे, इसे भी जान लीजिए। चिप फिटिंग के लिए खोपड़ी का टुकड़ा निकाला जाएगा। रोबोट के जरिए इलेक्ट्रोड्स दिमाग में डाल दिए जाएंगे। दिमाग के एक सुराख में डिवाइस फिट कर दिया जाएगा। इसके बाद इंसान कंप्यूटर के लिए बनाए गए नए इंटरफेस की मदद से सीधे सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा। हालांकि अभी तक ये टेस्ट सिर्फ एक बंदर पर किया गया है जिसके दिमाग में एक वायरलेस इम्प्लांट किया गया है। और दावा है कि बंदर ने इसके इस्तेमाल से वीडियो गेम भी खेला है। लेकिन अब बारी इंसान की है और न्यूरालिंक कंपनी इस प्रयोग को इसी साल पूरा करेगी। यानी सिर्फ 9 महीने बाद इस प्रयोग से जुड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।